कहीं पैरों तले खाने की चीजें पड़ी हैं, कोई खाने में थूक रहा है, तो कहीं कोई पानी में पेशाब मिला रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बाहर का खाना खाना तो दूर, उसके बारे में सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो देखने को मिलेगा उसको देखकर हर किसी का मुंह खुला रह जाएगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। पानीपुरी लवर्स, अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस खट्टे मीठे पानी की चाह में पानीपुरी खा रहे हैं वो असल में किसी का पेशाब तक भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर आप क्या कुछ भी कहे जा रहे हो? ये वीडियो सबूत के साथ आप लोगों के सामने में है। ये वीडियो गुवाहाटी की है, जहां एक ठेले वाले ने पानीपुरी के पानी में कुछ और नहीं बल्कि खुद का पेशाब मिलाना ही शुरू कर दिया। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो ये महाशय ही दे सकते हैं, मगर फिर भी इसके बाद जिन लोगों ने इसकी पानीपुरी खाई होगी उनका सोचकर ही हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। वीडियो का वायरल होना तय था, ऐसे में इस ठेले वाले को गिरफ्तार करके इसके काम को बंद करवाया जाता है, ताकि आगे से पेशाब वाली पानीपुरी किसी और को ना खिला सके। ब्रेड से बनने वाली सूखी टोस्ट तो आप लोगों ने खाई ही होगी और शायद अभी भी कोई खा ही रहा होगा। ऐसे लोग जरा इस वीडियो को आंखें खोल कर देख लेना। कहीं टोस्ट पैरों तले पड़ा है तो कभी इसे जीप से चाट चाट कर पैकिंग किया जा रहा है, और इसके बाद यही टोस्ट हम खुद भी खाते हैं। तो आप सोच लीजिए, जिस चीज को हम सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, कहीं वो हमें अनगिनत बीमारियों की ओर तो नहीं धकेल रही? हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, खाना ना खाना ये सब आपकी इच्छा है। अक्सर जब हम घर से बाहर कहीं होते हैं तो भूख लगने पर होटल्स में कुछ चटपटा जरूर खाते हैं जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मगर इस वीडियो ने हमारी सोच पर मानो ताला सा लगा दिया हो। अगर इस तरीके से खाने की चीजें भी बनाई जा रही हैं, तो शायद हमारा खाना खाना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऊपर वाले ने इस इंसान को किसी भी कारण से एक हाथ न दिया हो, मगर दिमाग तो दिया है। खाक से अपने पसीने और कीटाणुओं को इस चीज के साथ तल कर ये मूर्ख साबित क्या करना चाहता है, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। आमतौर पर हर गली हर नुक्कड़ पर कोई ठेले वाला मिल जाएगा जो सब्जियां बेच रहा होगा। क्या हो अगर ये सब्जियां पानी में ना धोकर नाले में धुलकर आपके घर तक आई हो? कोई गंदी चीज हो के बेफिकर होके धो रहा, तुम्हें कोई किसी की कुछ परवाह ही नहीं है। ये देखो आप, ये इनका चेहरा जरा और से देख लो, और ये कोई इनकी सब्जी वब्जी मत लेना बिल्कुल भी। ये तो पूरे सब्जियों का गटर के पानी में सब्जी हो रहा है, ये सकते हैं आप यहाँ पर। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ओ क्या नाम है भाई आपका? अरे मत करो। अरे क्या मत करो, ये तुम्हें जब कोई टेंशन ही नहीं है, दूसरों का तुम कुछ सोच रहा है। देख लीजिए और तय कर लीजिए आपको क्या करना है। ऐसे में अगर बिना धोए कभी इनको खाया तो गंदी नाली के न जाने कितने कीटाणु सब्जियों के साथ आपके पेट तक पहुंचने के लिए तैयार है। पानीपुरी लवर्स बेशक पानी पुरी पर मरते होंगे, लेकिन हमारी ये वीडियो देखने के बाद वो पानीपुरी खाना तो दूर, उसके बारे में सोचना तक छोड़ देंगे। गलियों और नुक्कड़ों पर ऐसे न जाने कितने ठेले वाले हैं जो ना तो किसी तरह का ग्लव्स यूज करते हैं, बजाय इसके मसालों को जब मिलाने की बारी आती है तो वो कुछ इस तरीके से मसालों को मिलाया करते हैं। ऐसे में पानीपुरी में आपको खट्टे मीठे स्वाद के साथ उनके हाथों पर जमा मैल पसीना कीटाणु और गंदे बैक्टीरिया सब एक साथ परोस कर दिए जाते हैं। अरे भाई ये सब थोड़ी यहीं रुकता है, ऐसे में बारी जब गंदे हाथों को साफ करने की आती है
तो वे हैंड वॉशिंग की ऐसी कमाल की मशीन में हाथ डालते हैं कि बस पूछो ही मत। एक बार हाथ डाला तो ऐसे चमक के साथ बाहर आता है कि खुद कीटाणु भी सोचते होंगे, अरे भाई बस कर, अब तो हमारी भी गंदगी में जान निकल रही है। रुको, जरा सबर करो, अभी तो प्लेटें धोनी भी बाकी हैं। अब प्लेटें धोने के लिए ये जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो आपको दुकानों या शॉपिंग मॉल्स में नहीं, सिर्फ गंदी नालियों या नालों में ही मिलेंगी। ये शायद दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी का यूज करते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन ये पानीपुरी खाना चाहेगा। जापानीज लोगों को एक डिश बड़ी दिलचस्प लगती है जो मोची नाम से मार्केट में बिकती है, मगर किसे पता कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो इस डिश को जिस तरीके से बनाते हैं उसे देखने के बाद खाया हुआ तक उल्टी करके बाहर निकल जाएगा। ये वीडियो कुछ सालों पहले काफी वायरल रहा क्योंकि इसमें स्टॉल वाला मोची डिश का तो पता नहीं, मगर मधुमक्खियों का पराठा बनाता ज्यादा मालूम हो रहा है। इस डिश को रोल करते हुए इसने कई मधुमक्खियों को साथ में ही रोल कर दिया, जो शायद अपना अगला छत्ता खाने वाले के पेट में ही जाकर बनाएगी। वैसे वीडियो में मजा बराबर आ रहा है कि नहीं? अगर आपको कोई कहे कि आपको बहुत सारा आटा गूंथना हो तो आप क्या करेंगे? आप जो भी हो जैसे भी करेंगे, लेकिन उस आटे को पैरों से गूंथने का तो कभी नहीं सोचेंगे, मगर ये लोग ऐसा सोच सकते हैं जिनको अभी आप देखने जा रहे हैं। ये कुछ फैक्ट्रीज का बहुत टाइम पहले सामने आया एक सच है जिसने हर किसी की सोच को हिला डाला। मानते हैं कि आटा या उस जैसी चीज को बहुत मात्रा में गूंथना भी एक चुनौती हो जाता है, लेकिन हम ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि उसको पैरों से गूंथना शुरू कर दें। सेहत के साथ हो रहा ये खिलवाड़ हर जगह ही हो रहा है, बस सच के सामने आने की देरी है। लेकिन फिर भी हम ये सब खाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। मार्केट में पड़ी और चमक रही सब्जियां क्या वास्तव में उतनी पौष्टिक और शुद्ध होती हैं जितना सोचकर हम उन्हें न केवल घर लाते हैं बल्कि खाते भी हैं? चलिए, आपकी आंखें खोलने का वक्त आ गया है और ये जान लीजिए कि मार्केट में ऐसे कई सेलर्स हैं जो सब्जियां आज नहीं बिकी उन्हीं सब्जियों को अगले दिन बेचने के लिए वो उन पर उसी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं जिसका यूज आप अपनी गाड़ियों को धोने के बाद उनको चमकाने में करते हैं। इनमें से कुछ सब्जियां गली सड़ी न दिखें उसके लिए तरह तरह के रंगों का भी यूज करते हैं ताकि सब्जियां हरी भरी और फ्रेश मालूम पड़े। हमारी सेहत के साथ हो रहा है खिलवाड़ यही नहीं रुकता, ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि जो सब्जियां लगने के बाद 2 से 3 हफ्तों में बड़ी होती हैं, उनमें केमिकल्स के इंजेक्शन लगाकर अगले दिन ही तोड़ने जैसी बना देते हैं। अब फैसला आप करें, आपको क्या करना है। विवाह शादियों का खाना खाना किसको पसंद नहीं, लेकिन शायद आज के बाद आप हर विवाह हर शादी के खाने को शक की निगाह से देखने वाले हैं। उसकी वजह होगी ये वीडियो। बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह सेरू, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। ये लड़का किसी शादी में आए लोगों को अपना थूक लगाकर रोटियां परोसे जा रहा था और शादी में आए सभी लोग बड़े चाव से खाए भी जा रहे थे। वीडियो का वायरल होना तय था, तो ऐसे में इन जनाब को इनके घर जाकर न केवल धुलाई की जाती बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाता है। वहीं आप कमेंट करके बताइए, अगर आपकी रोटी को आपके सामने ये लड़का ऐसे थूक लगाकर परोसता तो आप क्या करते? सुना ये सब जानकर मछलियां भी खुश हो रही हैं कि इंसान ही इंसान को जाल में फंसाने लगा है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा खाना खाकर ऊपर वाले को प्यारा ना हो जाए तो वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। दोस्तों, अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एक से बढ़कर एक वीडियोस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, वो भी आपकी पसंदीदा फरमाइशों के साथ।